अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम इडियप्पम बना रहे, जो राइस मैगी भी कहा जाता है। ये मोल्ड में बना रहे हम। ये बारीक वाली छन्नी ले लिए। इसके लिए राइस फ्लावर लिए हम, 150 ग्राम है ये छन्नी। लिए छन्नी में भी बना सकते और इस तरह से थाले में भी बनाया जा सकता है। अगर ये दो चीज़ें भी नहीं हैं तो इडली का जो मोल्ड आता उसमें भी बना सकते हैं। अभी हम इसको भून, हम एक पैन रख लिए, इसमें हम इसको डाल देंगे। इसको भुनेंगे हम थोड़ा, एक 2 से 3 मिनट तक। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमको, बस थोड़ा सा भून लेना है इस तरह से। अभी 3 से 4 मिनट हो गए, अभी हम इसको निकाल लेंगे, एक बर्तन में डाल। अभी हम इसको डाल लिए कटोरे में। नमक डालेंगे हम, 1 चम्मच डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और ये गर्म पानी है, हार्ड गर्म पानी है ये, जिसमें से भाप निकल रही। थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरह से, चमचे से हमको मिक्स करना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमको 1/2 कप पानी लग गया। इसको 2 मिनट छोड़ देंगे हम इसी तरह से, फिर हाथ से हम मिक्स करेंगे। 1 चम्मच बटर डालें हम इसमें। अभी हाथ से इसको मिक्स करेंगे, घी भी डाल सकते। अभी ये सारा हम निकाल लेंगे। अभी इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा है, पतला नहीं होना है, घटी रहना है हमारा डो। अभी गर्म है ये, हल्के हाथों से इसको करना है। इसको हम इकट्ठा कर लिए हल्के हाथों से। देखिए इस तरह से होना चाहिए। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद मैं आप लोग को बताऊं। अभी हमारे 5 मिनट हो गए, हम इसको ग्रीस कर लेंगे छन्नी को अच्छे से और इसको रख लेंगे हम। मेकर को भी कर लेंगे हम अंदर अच्छी तरह से, हम ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से इसको डाल दें। अभी हम इस तरह से ये लेते हुए इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह। ये हो गया, इसको लगा लेंगे। धीरे धीरे हम इसको घुमाते जाएंगे इस तरह से, इसमें लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह, इस तरह से हमको बनाना है। दूसरे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। चाहे तो इडली मेकर में भी बना सकते हैं इस तरह से। ये बहुत भी बहुत टेस्टी बनते हैं, मैगी के जैसा टेस्ट आता है इसका। ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छा है ये, बिना ऑयल के। किसी भी चीज़ से खाया जा सकता है, केचप से खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं। अभी ये हमारे हो गए, हम रख देंगे इसको। हम कढ़ाई रख लिए, कढ़ाई में हम पानी रख लिए, जो बॉईल हो रहा हमारा पानी। अभी हम इसको रख देंगे, पानी टच नहीं होना है। इसको ऊपर से हम ढाँप देंगे, 10 मिनट के बाद देखेंगे। एक तो हम रख लिए, अभी ये दूसरा भी हम रख लेंगे। इसी तरह से बना लेंगे हम।
चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। नूडल्स भी समझ के खा सकते हैं इसको, सेवैयां भी समझ सकते हैं। बहुत भी बहुत प्यारे बनते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इसका और हेल्दी भी रहते हैं। दस मिनट हो गए, अभी हम देख लेंगे। देखिए माशाल्लाह ये हो गए अच्छे से, हम इनको निकाल लेंगे। अभी हम ये निकाल लेंगे, देखिए कितने आसानी के साथ ये निकल रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे से ये बने हैं, आसानी के साथ बना सकते हैं। दूसरा भी हम बैच इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे इडियप्पम बनके तैयार है। नूडल्स बोल सकते हैं इसको, मैगी बोल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, मैं तोड़ के भी बताऊंगी आप लोगों को, बहुत भी बहुत अच्छे बने हैं देखिए। और किसी के भी साथ खाया जा सकता है, सांभर के साथ भी खाया जा सकता है। मेरे पास खोरमा है, अभी हम लोग खोरमे के साथ इंजॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।